ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ में बीते रात्रि हुई मूसलाधार बारिश ने धारचूला बाजार में फिर तबाही मचाई। पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया। बाजार की सड़क भी मलबे से पट गई। आपको बता दें कि सड़क में पार्क किए गए वाहन भी मलबे में दब गए। मल्ली बाजार ग्वाल गांव खोतीला में सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। पिछले दिनों इल्धार नामक स्थान पर हुए भूस्खलन के बाद से खतरा बना हुआ है। तब भूस्खलन के साथ बोल्डर गिरने से चार मकान ध्वस्त हो गए थे। इस स्थान पर जिनके मकान हैं वह लोग अभी भी अन्य सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। तटबंध के ऊपर नदी बहने लगी है, इससे लोग सहमे नजर आए। मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूस्खलन के बाद से चार मकान ध्वस्त हुए हैं। मूसलाधार बारिश ने फिर से तबाही मचाई है। तो बरसाती पानी के साथ कई घरों में मलबा घुसा है। भूस्खलन के बाद से चार मकान ध्वस्त हुए। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे ये मकान ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भूस्खलन के बाद से चार मकान भी ध्वस्त हुए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीर। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। तो पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा था और इसी को लेकर के प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मूसलाधार बारिश ने फिर से तबाही मचाई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीर। बरसाती पानी के साथ घरों में मलबा घुसता हुआ नजर आया। भूस्खलन के बाद चार मकान भी ध्वस्त हुए।